hello everyone welcome to abipedia powered by abhimanyu is and in C set paper to previous year question series today's our topic is profit and loss yes profit and loss is very important topic and uh, if uh, we analyze previous year questions then we see that in 2020 20 and update two questions were from profit and loss okay and in 2019 one question 2017 one question 2016 one question 2014. वन क्वेश्चन यस 2015 और 18 के अंदर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं था ओके दैट मींस कि वी कैन एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस यस ज्यादा क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हाँ जी बट वन टू टू क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर सो so, आपको पता है कि हाँ जी वन टू टू क्वेश्चन मीन्स की आपका ढाई से पांच नंबर का सवाल है तो, तो सबसे बड़ी बात जो है कि प्रॉफिट लॉस जो इसके अंदर जो लेवल है

question hai, if sohan while selling two goats at the same price yes there are two goats and he is selling at same price making profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other yes if there are some question like this in which we get some profit okay and profit on one product and same loss in on the स ऑलवेज रिमेंबर देर विल बी लोस देयर विल बी ओवरऑल लोस एंड लॉस परसेंटेज टू वर्थ एयर बाई हंड्रेड परसेंट ओके ध्यान रहेगा सभी को अब यहां पर आपके पास में आ, कोई भी प्राइज नहीं की मैंने सिंपल यह कह रहा है कि दो को सेम प्राइज पे उसने सेल किया ठीक है प्राइस सेम है और दोनों के अंदर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है दैट इज अगेन इक्वल ओके जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा लॉस होगा नो प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा ठीक है माइंड में आता है कि अंजी फर्स्ट वन विल बी आंसर बट नहीं आंसर क्या होगा आपका ऑलवेज लॉस आएगा और लॉस कितना आएगा ए स्क्वेयर बाई हंड्रेड के इक्वल आएगा ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में ए इज इक्वल टू तेन दिस इज हंड्रेड ओके इक्वल टू इक्वल वन परसेंट सो आंसर विल बी ही सफर ए लॉस ऑफ वन परसेंट ओके जी क्लियर है सभी को इसको आप सक्सेसिव से जो भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे अगर मैं इसका लॉजिक बताती हूँ आपको

हाँ जी एग्जाम के अंदर यहाँ पे जो परसेंटेज है दिस में भी डिफरेंट ना तो यहां पे मैं आपको ओवरऑल का बता रही हूँ तो ओवरऑल अगर मुझे प्रॉफिट लॉस देखना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप देखिए जो भी आपके पास प्रॉफिट है प्रॉफिट आएगा तो प्लस लेना याद रखना है प्रॉफिट आएगा तो प्लस लेना है और अगर आपके पास लॉस है इन दैट केस यू विल टेक माइनस ओके सो यहाँ पे पहले क्या कह रहा है प्रॉफिट टेन परसेंट सेकेंड केस में क्या कह रहा है लॉस टेन परसेंट प्लस अब यहां पे एक प्रॉफिट है और दूसरा क्या है लॉस डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट माइनस वन अब वैल्यू अगर माइनस में आ रही है दैट मींस ओवरऑल इज लॉस एंड लॉस ऑफ वन परसेंट दिस वैल्यू इज इन परसेंट ओके क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास में ए प्लस बी प्लस ए बी बाई हंड्रेड डन वैल्यूज हम यहां पे ध्यान रखना है अगर लॉस okay? yes, है सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन 2016 यस yes, 2016. का क्वेश्चन है देखिए क्या है क्वेश्चन करेंसन अलाउस टेन परसेंट डिस्काउंट टेन परसेंट डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टॉय एंड स्टिल ही मेक्स गेन क्या कह रहा है कि एक पर्सन है उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं टेन परसेंट का और फिर भी उसको क्या हो रहा है टेन परसेंट का गेन हो रहा है वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड सेवन यस मार्क प्राइस यहाँ पे आपके पास गिवन है ठीक है अब यहाँ पे आपके पास दो मेथड है वन इज रेशियो मेथड एंड सेकंड इज यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओके मैं दोनों आपको करवा रही हूँ दोनों में आप लोगों को बता रही हूं देखिए अब पहला क्या है आपके पास क्या कह रहा है कि टेन का डिस्काउंट तो ध्यान रहे कि जब भी डिस्काउंट आता है डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है मार्क प्राइस पे एंड इफ वी हैव डिस्काउंट परसेंट दैट मींस कि वी कैन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन एसपी एंड एम पी ओके okay, तो यहाँ पे टेन परसेंट टेन परसेंट मीन्स वट वन बाई टेन ओके दैट मींस व्हाट दिस इज मार्क प्राइस ओके एंड यहाँ पे ये क्या है आपके पास डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह की वैल्यूज आती है तो जो रेशियो बनेगी आपकी किसके अंदर रेशियो बनेगी आपकी एसपी और एमपी एसपी और एमपी की रेशियो क्या होगी एमपी है हमारे पास में कितना टेन डिस्काउंट कितना है आपके पास वन दैट मीन्स एस पी विल बी यस दिस पॉइंट इज क्लियर ओके सेम वे यहां पे आपके पास में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है उसको टेन परसेंट टेन परसेंट प्रोफिट दैट मीन्स वन बाई टेन जब भी प्रॉफिट की बात होती है दैट मीन्स दिस इज सीपी एंड दिस इज प्रॉफिट क्लियर तो जो रेशियो होगी रेशियो किसके बीच में बनेगी सीपी और एसपी के बीच में ठीक है सीपी टेन प्रॉफिट इज वन टेन प्लस वन इलेवन जी क्लियर है सभी को ओके अब देखो अगर ये मेथड आपको क्लियर हो गया ना पूरा डिस्काउंट आपका इस मेथड के ऊपर पूरा डिस्काउंट का चैप्टर आपका इस मेथड पे है अगर आपको ये क्लियर है तो देन देखो क्या हो रहा है सीपीएसपी हाँ की रेशियो है हमारे पास एसपी एमपी की रेशियो है हमारे पास ठीक है ओवरऑल रेशियो क्या आ जाएगी दिस इज नाइन्टी नाइनटी नाइन एंड दिस इज हंड्रेड एंड टेन डन तो ओवरऑल आपके पास में रेशियो क्या आ गई नाइनटी नाइन्टी नाइन एंड हंड्रेड एंड टेन नाउ चेक व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन यस yes. क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास में मार्क्ड प्राइस गिवन है जो गिवन है उसको उसके इक्विवेलेंट पुट कर दो क्या गिवन है मार्क्ड प्राइस हमारे पास मार्क्ड प्राइस हमारी रेशियो में क्या है 110 और यहाँ पे क्या है आपका 770 दैट मींस व्हाट कि 110 इज इक्वल टू 770 मींस 1 इज इक्वल टू व्हाट 1 इज इक्वल टू व्हाट 7 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 7 आ गई अब जो 1 की वैल्यू 7 है

जी देखिए बट यहाँ पे ये मेथड बेस्ट मेथड है मैं ये कहूंगी कि जो डिस्काउंट के ऊपर जब भी आप क्वेश्चन करते हो discount के अंदर जहां पे भी आपके पास में और गिवन है इन दैट सेकंड मेथड सेकंड मेथड क्या कह रहा है अब यहाँ पे मुझे गिवन क्या है मार्क प्राइस गिवन है मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेवन सेवेंटी ओके डिस्काउंट इज टेन परसेंट स एसपी कितना हो गया उसका टेन परसेंट का डिस्काउंट कितना रह गया नाइनटी क्लियर है हां जी तो यहां से हमारे पास में एस पी आ गया ये आ गया आपके पास में नो सात तरेट छो साते तरेट क्लियर दिस इज द एस पी ना वी नो द प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट कितनी है 10 अब SP है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट वी कैन फाइंड आउट एसपी तो एसपी क्या हो जाएगा आपका सोरी so, सीपी क्या हो जाएगा एस पी इन टू हंड्रेड बाई हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड टेन क्या किया प्रोफिट एड कर दिया आपको जो मेथड बेटर लगता है यू कैन यूज दैट मेथड ओके okay? यस yes. दोनों मेथड क्लियर है डन अब अगर हमारे पास मार्क प्राइस था तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट जो फॉर्मूला फॉर्मूला से भी इजी कर ली इजीली कर लिया बट कई बार क्या होता है सिर्फ डिस्काउंट गिवन होता है कई बार क्या होता है प्रॉफिट गिवन होता है कई बार डिस्काउंट बिटवीन uh, आपका सीपी एंड एसपी गिवन होता है मतलब कि सॉरी डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एम गिवन होता है कुछ भी गिवन हो सकता है तो उस केस में रेशियो मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ओके okay? यस yes.

कर बताओ गोपाल की पोजीशन इस केस के अंदर क्या होगी तो अब यहाँ पे 10% प्रॉफिट 10% लॉस देखते ये नहीं देखना कि हाँ जी आंसर क्या आ जाएगा 1% लॉस क्वेश्चन डिफरेंट है यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है देखो थोड़ा लॉजिकली सोच के चलो क्या कह रहा है कि गोपाल ने सेलफोन एक खरीदा और उसने राम को बेच दिया ठीक है अब यहां पे देखो कि जो गोपाल है गोपाल के लिए जो सेलफोन है सेलफोन का प्राइस क्या होगा हम ये मान लेते भाई हंड्रेड रुपीज क्लियर कि हंड्रेड हमने कंसिडर कर लिये? मैं क्यों कर रही हूँ सो दैट कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए ओके okay? तो कह रहा है कि गोपाल के लिए सेल फोन का सीपी है हंड्रेड रुपीज अब उसने क्या किया राम को उसको सेल कर दिया गोपाल ने राम को बेच दिया इसको किसको दे दिया राम को कितने में दिया है टेन परसेंट प्रॉफिट के अंदर तो कितने का दिया एक सौ दस रुपए का कितना आ 110 रुपीज। अब इस केस के अंदर जो हंड्रेड एंड टेन है दिस इज द सीपी फॉर राम राम के पास राम ने कितने का खरीदा हंड्रेड एंड टेन रुपीज का अब राम ने कितने का खरीदा राम के लिए सीपी क्या है हंड्रेड एंड टेन रुपीज अब ये क्या कर रहा है उसको किसको बेच रहा है वापस गोपाल को बेच रहा है किस पे लॉस पे अब राम क्या कर रहा है राम ने गोपाल को बेचा है इसको ठीक है किस पे टेन परसेंट लोस पे ओके तो कितने का बेचेगा वो हंड्रेड एंड टेन का प्रोडक्ट है उसका और उसको नाइनटी परसेंट में सेल कर रहा है बिकॉज टेन का तो उसको लॉस हो गया तो यहां से उसने उसको कितने का बेचा नाइनटी नाइन रुपीज का अब देखो गोपाल के लिए स्टार्टिंग में जो उसने प्रोडक्ट खरीदा था कितने का था सौ रुपए का था अब उसने फाइनली जब वापस उसको मिला है तो अब उसको कितने का मिला है नाइनटी नाइन का नाइनटी नाइन का तो उसको ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ ओवरऑल क्या हो गया प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट कितने का हुआ वन का नाइनटी नाइन सो का था उसको फाइनली उसको क्या Uh, इतने में मिल गया तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल उसको क्या होगा गेन होगा और गेन कितना हो जाएगा का ओके सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास वन परसेंट पोजीशन की बात करें किसकी बात करें गोपाल की बात करें कि गोपाल की पोजीशन इस केस के अंदर क्या होगी हाँ जी क्लियर है ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कहता है इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट फोर्टी and gets x percent profit however when he sell it at rupees 20 he faces same percent of loss so usko same percent ka loss ho raha hai but is the original cost of the article article ki original cost kitni hogi then ab hum ye maan lete hain jo article hai ek particular uska cp hai अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसको 40 के अंदर वो sell करता है अगर वो उसको 40 rupees के अंदर sell करता है in that case उसको x percent का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ओके और क्या कह रहा है कि अगर वो उसी प्रोडक्ट को ₹20 रुपीज के अंदर सेल करता है तो उसको x% का लॉस हो रहा है तो बताओ कि उसका सीपी क्या है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास में तो हमें पता है कि जो बेशक से यहाँ पे परसेंटेज गिवन है यहां पे परसेंटेज भी हो सकती है सिंपल ये भी हो सकता है कि इतना प्रॉफिट उसको मिला बट इन बोथ द केस एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी इन बोथ द केस द मेथड विल बी सेम बिकॉज दिस इज सेम प्रॉफिट एंड लॉस ओके तो यहाँ पे अपने पास में सीपी किसके इक्वल हो जाएगा दिस इज फोर्टी प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू दैट मीन्स सिक्सटी बाई ट्वेंटी टू सिक्सटी बाई टू दैट मीन्स थर्टी तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा आपके पास थर्टी रुपीज आ जाए ओके okay. ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड अगर वैसे अगर मैं देख के चलूं तो यहाँ पे देखिए अपने पास में सीपी हमें नहीं पता कितना है इज एक्स परसेंट लॉस कितना है एक्स परसेंट लॉस हो रहा है दैट मीन्स कि एक्स बाई हंड्रेड हो गया आपका एक्स बाई हंड्रेड ऑफ सीपी अब देखो यहाँ पे जो एसपी है एसपी के केस के अंदर जब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या हो गया आपके पास में दैट मीन कि सीपी सीपी प्लस व्हाट सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट यहां पे हमारे पास कितना है एक्स परसेंट ऑफ सीपी ओके एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट फोर्टी आंसर तो आ गया आप लोगों का आंसर आ गया दोनों केसेस में देखो को आ, इसके क्या कहते हैं? कि आपको फॉर्मूला वगैरह से करने की आदत है तो वहां से भी आपकी क्लियरिटी आ जाए तो यहाँ पे देखिए सीपी प्लस एक्स परसेंट ऑफ सीपी ये क्या हो गया उसका प्रॉफिट हो गया और इसका क्या है एस फोर्टी है दूसरे केस के अंदर क्या बन रहा है हां जी सीपी प्लस सीपी माइनस आएगा यहां पे। दिस इज ट्वेंटी ये दोनों इक्वेशन बन गई पहले केस में उसको प्रॉफिट हो रहा था एसपी क्या होता है आपके पास में सीपी प्लस प्रॉफिट दोनों को आप सोल्व करोगे ये तो एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगी टू सीपी टू सीपीवल टू सिक्स एंड सीपीवल टू वर्टी डन तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है देन यू जस्ट ऐड दिस टू एंड डिवाइडेड बाय टू ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज राकेश हैड मनी टू बाय एट मोबाइल हैंडसेट ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी बट द रिटेलर ऑफर वेरी गुड डिस्काउंट रिटेलर ने उसको डिस्काउंट दिया है ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट राकेश कुड़ पर्टिकुलरेशन मोबाइल का प्राइस है आपके पास में आ, हजार रुपए ठीक है, है? हजार का वैसे आता नहीं है ठीक है बट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हजार रुपए है. तो एट मोबाइल के उसके पास पैसे कितने रुपए है एट थाउजेंड रुपये ठीक है अब उसको डिस्काउंट की वजह से उसकी इतने पैसे में क्या मिल गए टेन मोबाइल तो का टेन मोबाइल का मार्क प्राइस कितना होगा हमने लिया है कि जो एक मोबाइल है उसका मार्क प्राइस कितना है मैं एमपी लेके चल रही हूं कि एमपी कितना है उसके पास में उसेंड मोबाइल सेट और उस कह रहे हैं कि उसके पास आठ मोबाइल जितने पैसे हैं ठीक है बट वो टेन मोबाइल खरीद सकता है दैट मीन्स कि टेन मोबाइल का मार्क प्राइस कितना हो गया टेन थाउजेंड बट वो कितने पैसे में खरीद पा रहा है जो एस है हमारे पास में टेन का वो कितना है एट थाउजेंड दैट मीन्स की जो उसको डिस्काउंट मिला है दैट इज ऑफ टू ओके okay, टू का उसको डिस्काउंट मिल गया अब जब उसको टू थाउजेंड का डिस्काउंट मिल गया तो हमारे पास में हमें पता है कि जब डिस्काउंट हमें पता है कितना है टू थाउजेंड का यहाँ पे एस पी इतना है मार्क प्राइस इतना है तो हमें फाइंड आउट करना है क्या प्रॉफिट जो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो डिस्काउंट परसेंटेज कितनी हो जाएगी हमें पता है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है मार्क प्राइस पे होता है ओके सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ट्वेंटी परसेंट सो ट्वेंटी परसेंट विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर है हाँ जी एट के पैसे के अंदर मतलब क्या है कि वो टेन मोबाइल सेट एट के रेट में खरीद रहा है मींस कि उस पर लिखा तो दस हजार है बट उसने पे कितना किया आठ हजार ही पे किया दैट मींस कि टू थाउजेंड का उसको डिस्काउंट मिल गया ठीक है वन थाउजेंड की जगह आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो इट डजेंट मैटर ओके okay, क्लियर है हाँ जी अब इसी तरह से कई बार आपने देखा होगा कि दुकानों के बाहर लिखा था गेट फोर फ्री बाई टू गेट फोर गेट टू फ्री है ना तो बताओ कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगी दिस इज नॉट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके यस डिस्काउंट का एक बार कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ तो यहां पे देखो कह रहा है बाई फाइव गेट फोर फ्री दैट मीनस कि टोटल उसको कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं टोटल प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं उसको

ओके, okay. सो so, पे आपके पास में एस पी कितना हो गया फोर एंड डिस्काउंट विल बी सॉरी एस पी विल बी फाइव एंड डिस्काउंट विल बी फोर यहां पे देखो ना बाई फाइव फाइव के पैसे दे रहा हो हाँ जी क्लियर है तो डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास में क्या आएगी डिस्काउंट डिवाइडेड बाय व्हाट एम पी हंड्रेड कितना आ गया आपके पास

लॉस ऑफ ट्वेंटी परसेंट देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाई द कार यस एस पी इज गिवन एंड लॉस इज गिवन यू वॉन्ट टू फाइंड सी पी वेरी इजी क्वेश्चन देखिए क्या लेवल है क्वेश्चन का ठीक है तो हमें पता है कि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है सीपी इज इक्वल टू वट एस पी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस लॉस देन तो यहाँ पे हमारे पास में एस पी कितना है वन लैख इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट्टी तो ये हो जाएगा आपके पास डन तो ये वैल्यू आ जाएगी थ्री सेवन फाइव एंड ट्रिपल जीरो ओके सो आंसर विल बी थ्री सेवन फाइव ट्रिपल जीरो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हाँ जी सिंपल था कुछ भी नहीं था इसमें तो डन ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शॉपकीपर ए शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू ए कस्टमर एक कस्टमर को कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे एंड देर आर थ्री स्कीम्स वन इज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट 20% एंड देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10% ओके okay? अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है पहले 10% का डिस्काउंट दिया फिर 20% का डिस्काउंट दिया एंड देन पे ए सर्विस टैक्स और उसके बाद में सर्विस टैक्स पे करा रहा है उसने 10% का ओके okay? हाँ जी क्लियर है अब दूसरा जो है उसके अंदर कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% 10% एंड देन पे ए सर्विस टैक्स ऑफ 10% फिर उसके बाद में सर्विस टैक्स प्रोवाइड कर रहा है वो 10% का ठीक है

कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमने क्या है कि वो उसको कह रहा कि है कि फर्स्ट ऑप्शन बेटर है सेकंड के अंदर कह रहा है ओनली सेकंड ऑप्शन इज बेटर थर्ड कह रहा कि better, है कि थर्ड ओनली ऑप्शन इज बेटर और फोर्थ है कि ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर तो यहाँ पे हमारे पास में देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है देन इट मैटर कि पहले कौन सा डिस्काउंट है बाद में कौन सा डिस्काउंट है दिस विल बी ऑलवेज इक्वल ओके सेम वे जब सर्विस टैक्स की बात हो रही है तो भी चाहे वो पहले दिया हो चाहे बाद में दिया हो सभी केसेस के अंदर क्या रहेगा इक्वल रहेगा सो so, आंसर क्या आएगा यहाँ पे ऑल द ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर इज इट क्लियर हाँ जी बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट इसमें कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं सिंपल सा पॉइंट है कि अगर सक्सेसिव सक्सेसिव डिस्काउंट डिस्काउंट आपका चाहे पहले कम दिया बाद में ज्यादा दिया है या फिर बाद में ज्यादा दिया पहले कम दिया है देयर विल बी नो डिफरेंस इन द एस पी जो टोटल अपना एस पी आएगा वो सेम ही आएगा ठीक है इसी तरह से जो सर्विस टैक्स है सर्विस टैक्स तो उसने पे करना ही है चाहे वो पहले पे करे चाहे बाद में पे करे डन तो इस केस के अंदर सारे के सारे जो तीनों ऑप्शन है देज वर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।

If the trades trader sell the article around 10% discount to the customer, then gain gain percent will be. तो so, उसका gain percent क्या होगा? Okay, simple question है. Marked price देखो. क्या कह रहा है कि जो CP है ना अगर हम मान लेते हैं कि CP कितना है? Hundred rupees है. अब क्या कह रहा है कि जो marked price है that is 30% higher. That means कि जो marked price है वो कितना हो जाएगा? थर्टी परसेंट दैट मीन्स की थर्टी ज्यादा हो गया ट्रेडर सेल्सिकल अलाउंगाउंट अबेंट दैट मींस की एस पी कितना एस okay. पी हो जाएगा प्रोडक्ट था और 10% परसेंट का डिस्काउंट मीन थर्टीन रुपीज का डिस्काउंट दे दिया ठीक है जब थर्टीन रुपीज का डिस्काउंट दे दिया दैट मीन्स की वन हंड्रेड एंड सेवनटीन का हो गया आपका प्रोडक्ट 117 का हो गया कैलकुलेशन करके देखोगे तब भी सेम ही आएगा ये आपका ठीक है 117 का हो गया अब यहाँ पे देखिए उसका सीपी कितना था 100 एसपी कितना है 117 एंड सेवनटीन दैट मीन्स की जो उसको प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू वट 17 एंड दिस इज आउट ऑफ 100 दैट मीन्स दिस इज 70 परसेंट ओके सो आंसर विल बी 17 परसेंट अब पे भी आप सक्सेसिव लगा सकते हो कैसे देखिए जब प्रॉफिट हो रहा है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर अपने पास में जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हम देखते हैं ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या आता है उसका फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लो यहाँ पे अपने पास में जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है देखिए प्रॉफिट और लॉस मैं दोनों क्यों लिख रही हूं कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट आता है इन दैट केस योर आंसर विल बी पॉजिटिव अगर लॉस आता है देन योर आंसर विल बी नेगेटिव अगर नेगेटिव कैलकुलेशन करके आ रहा दैट कि ओवरऑल लॉस हो रहा है अगर कैलकुलेशन करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आती है दैट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हो रहा है ओके okay? यहां पे आएगा जितना भी एम आर पी मार्क प्राइस जितना भी हायर है ठीक है माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस एम आर पी इंटू डिस्काउंट बाई हंड्रेड ओके अब जो सक्सेसिव का मैंने शुरू में मेथड बताया था ना आपको ये वही यूज हो रहा है यहां पे देखा जाए तो कैसे डिस्काउंट यहां माइनस क्यों लगाया क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है यहां पे माइनस का साइन क्यों लगाया क्योंकि यहां पे डिस्काउंट माइनस में है माइनस प्लस माइनस इसलिए यहां पे माइनस आ गया इज इट क्लियर ओके तो यहां पे भी आप अप्लाई करोगे देन यू विल गेट द सेम आंसर डन यस नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फोर परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू फाइव परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस फोर फोर परसेंट देखिए जो जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख देते हैं क्या कह रहा है फोर परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू फाइव परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस हाँ जी यही गिवन है अगेन ट्वेंटी टू परसेंट डन ऑफ प्राइस एंड सेलिंग प्राइस अब यहाँ पे देखो अगर सिर्फ आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है इन दैट केस दिस स्टेटमेंट इज ओनली सफिशियंट टू आंसर देखो यहीं से आप आंसर कर सकते हो क्या देखिए

क्या कह रहे हैं टेन परसेंट अगर वो लेस में खरीदती और थर्टी रुपीज़ कम में बेचती इन दैट केस उसको अगेन कितने का गेन हो रहा था ट्वेंटी परसेंट का देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वास कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना है okay? ओके अब यहाँ पे देखो हम ये मान लेते हैं कि जो उसका इनिशियल सीपी है स्टार्टिंग में उसका जो सीपी है वो कितना है हंड्रेड रुपीज़ है ओके okay? यस yes, 100 रुपीस अब वो क्या कह रहे हैं किसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% का दैट मींस कि उसका जो एसपी है एसपी कितना आ गया 120 सो so पे 20 का प्रॉफिट दैट मींस एसपी इज 120 देन अगेन गिवन दैट हैड शी बोट इट 10% लेस कि अगर इसी को वो 10% लेस में खरीदती थी, ठीक है ना 100 so से 90 का खरीदती और उसको uh, ट्वेंटी परसेंट गेन होता अगर वो उसको थर्टी रुपीज कम में बेचती अब ट्वेंटी परसेंट का अगेन गेन हो रहा है उसको दैट मीन वी परसेंट का गेन हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट कितना हो गया कितने का हो गया एक सौ आठ का हो गया देखो ना नाइंटी का है ट्वेंटी परसेंट का उसको गेन हो जाता तो कितना होगा अगेन ओके एंड हेयर यू कैन सी द डिफरेंस यहाँ पे जो अपने पास में डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है ट्वेल्व रुपीज का डिफरेंस आ रहा है ट्वेल्व रुपीज का डिफरेंस आ रहा है और आपके पास में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में वो डिफरेंस कितने का कह रहा है 30 का दैट मीन्स वन इज इक्वल टू थर्टी बाई ट्वेल्व दैट मीन्स वट कि आपके पास में सीपी कितना था आपके पास 100 so, सीपी फाइंड आउट करने के लिए कहा सो हंड्रेड विल बी इक्वल टू वट थर्टी बाई टू हंड्रेड दैट मीन्स टू फिफ्टी रुपीज सो आंसर विल बी टू फिफ्टी रुपीज जी क्लियर है यहाँ पे सीपी सेम नहीं है इसलिए हमें दूसरा भी लेना पड़ेगा डन अगर सीपी सेम होता तो आप डायरेक्टली कर लेते यहाँ पे उसने कहा है कि अगर वो खरीदती दस परसेंट लेस में तो हमें नया सीपी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा इसने कहा है कि ट्वेल्व यूनिट इज इक्वल टू क्वेश्चन जो हमारा है हमारा जब हमने हंड्रेड कंसिडर किया है तो हमारे पास डिफरेंस कितने की यूनिट का है

जाएगा ट्वेंटी फाइव सो दिस बी टू फिफ्टी एंड सोल्ड रेट ऑफ सेवन फोर रुपीज टेन देन मेड ट्वेंटी फोर फिफ्टी इन द बार्गनिंग हाउ मैनी एग्स डिड आई डील इन कर टोटल कितने एग्स खरीदे तो यहां पर आप देखो हांजी

ठीक है और ये मान के चलो कि टोटल इतना हमारे पास में प्रोडक्ट है जैसे कि यहाँ पे एग है तो हम ये मान लेते हैं कि सारे इसके अंदर ये है फाइव और उसने ये लिए थे सेवन दैट मीन्स कि टोटल कितने एग उसने खरीदे बेचिए थर्टी फाइव बिकॉज एलसीएम ऑफ़ एम फाइव एंड सेवन इज इक्वल टू थर्टी ओके दैट मीन्स कि जो फाइव थर्टी जो है वो कितने के हैं सेवन रुपीज के का कितना होगा आपके पास में? 5, 7 के है, एक 7 by 5 का 35 कितने के हो जाएंगे आपके पास में 49 रुपीस का, इज इट क्लियर अब हम एस निकालते एस पी ऑफ थर्टी अगर 35x की अगर हम बात कर रहे हैं these are x. ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर टेन रुपीजन टेन बाई एग्स खरीदता बेचता है तो टोटल यहाँ पे उसको कितने की बार्गनिंग होती है वन की वन रुपी की हो रही है ठीक है और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ही मेड टू जीरो टू फोर फाइव जीरो रुपीज इन द बार्गिन दैट मीन्स की इफ वन रुपी बार्गिन है थर्टी फाइव और उसने कितने कमाए हैं टू फोर फाइव जीरो रुपए तो नंबर ऑफ एग्स कितने हो जाएंगे थर्टी फाइव इंटू टू फोर फाइव जीरो तो यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू है वैल्यू क्या आ जाएगी आपके फाइव सेवन फिफ्टी सो एट फाइव सेवन फिफ्टी विल बी द करेक्ट आंसर ओके क्लियर यस

गिवन है ओके? तो अब जब भी इस तरह का again, का। क्वेश्चन आता है, है? है, है, पे क्या कह रहा उसको और हमें पता है, 6 to by को अगर आप fraction में में करते करते हो, fraction में कैसे हैं? हम बटा करके, तो हमारे पास जो वैल्यू है वैल्यू कितनी होती है ठीक है दैट मीन दिस इज सी पी दिस इज लॉस तो यहां से हमारे पास में रेशियो आ गई रेशियो किसकी आ गई आपके पास में सीपी और एसपी की रेशियो आ गई सीपी इज सिक्सटीन एंड एस पी इज फिफ्टीन डन अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द सीपी एंड एसपी तो हेयर द सम इज इक्वल टू व्हाट वन एंड दिस थर्टी वन इज इक्वल टू वट नाइनटी थ्री हंड्रेड दैट मीन्स वन इज इक्वल टू वट थ्री हंड्रेड एंड वट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास फिफ्टीन दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू वी हंड्रेड इन टू फिफ्टीन दैट मीनस हंड्रेड विल बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल था हाँ जी अगर कंसेप्ट क्लियर है देन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है डन ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 500 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25 परसेंट तो अगर उसको 25 परसेंट के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो उसका एसपी कितना है 500 फाइंड द एसपी ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज डबल करा कि अगर प्रॉफिट परसेंट को डबल कर देते हैं ठीक है तो बताओ उसका एस कितना होगा देन तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास में आ, क्या है ट्वेंटी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरी सीपी और एसपी की रेशियो कितनी आ जाएगी 25% इज इक्वल टू व्हाट 1/4 दिस इज सीपी 1 इज प्रॉफिट दैट मींस एसपी विल बी इक्वल टू व्हाट 5 4:5 आ गया इज इट क्लियर अब कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज डबल चाहिए दैट मींस कि 50% का प्रॉफिट चाहिए अगर मुझे 50% का प्रॉफिट चाहिए 50% मीन्स वन बाई टू दिस इज सी पी और दिस इज प्रॉफिट दैट मीन्स एस पी इज इक्वल टू थ्री हमारे पास रेशियो आ गई अब यहाँ पे देखो हमने एक बात का ध्यान रखना है कि जो सी है सी तो दोनों केसेस में सेम है तो हमें यहाँ पे सी को इक्वल करना है तो सी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई टू तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर और ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स डन अब क्वेश्चन है कि गिवन क्या है हमारे पास इस तरह जब भी हम रेशियो पे काम करते हैं इस टाइम पे हमें ये होना पता है कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस गिवन है प्रीवियस दिस इज 500, दैट मींस कि दिस 5, दिस 5 इज इक्वल टू व्हाट? 500? 5 इज इक्वल टू 100 और नया एसपी कितना है हमारा 6 दैट मींस 6 इज इक्वल टू 600. So, answer will be 600. Okay. Clear hai? Bilkul simple question tha. Done? Okay. Next question. Next question is, a pen was sold at 12 is to 1 by 2 percent loss. 12 is to 1 by 2 percent loss. If the same article is sold at 12 is to 1 by 2 percent profit, then it would be fetched ten hundred rupees more. Find the cost price. Yes. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमें देखना है कि पे पे हमारे पास क्या कह रहा है? एक दे रहा यहाँ पे कितना है 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 डिफरेंस डिफरेंस दे वो कितना का और अगर हम में ना? तो यहाँ पे देखो, पहले ट्वेल्व परसेंट का लॉस था. था अब ट्वेल्व परसेंट सॉरी ट्वेल्व इज टू वन बाई टू परसेंट साढ़े बारह परसेंट का पहले लॉस हो रहा था उसको ठीक है फिर साढ़े बारह परसेंट का प्रॉफिट कह रहा है और ये जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल कह रहा है वो हंड्रेड ठीक है अब हमें पता है कि जो प्रॉफिट है चाहे लॉस है किस पे होता है हमेशा सीपी पे होता है दैट मीन दिस डिफरेंस इज इक्वल टू हंड्रेड तो डिफरेंस कितना हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ट्वेंटी ऑफ सीपी विल बी इक्वल टू वट हंड्रेड दैट मीन सीपी इज इक्वल टू वट ये हो गया चार फोर हंड्रेड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हाँ जी क्लियर है, है तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट करो पहले कितना लॉस दे रहा है बाद में कितना प्रॉफिट दे रहा है कुछ भी है हाँ यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना ट्वेंटी फाइव अगर आपके पास एक तरफ प्रॉफिट एक लॉस है इन दैट केस एडिशन करोगे दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट है तो माइनस करोगे दोनों लॉस लॉस है तो माइनस करोगे ओके यस। yes. अगर हम रेशियो मेथड से इसको देखते हैं, तो रेशियो मेथड से देखो क्या बनेगा ट्वेल्व इज टू वन बाई टू परसेंट लॉस का अगर मैं देखूं, इन दैट केस सीपीएसपी की रेशियो क्या होगी आपके पास में वन इज ट्वेल्व इज टू वन बाई टू परसेंट होता है आपका वन बाई एट के इक्वल ठीक है जब लॉस हो रहा है दैट मीन्स वीपी सेवन एंड एस पी इज इक्वल टू सॉरी इक्वल टू एट एस पी इज इक्वल टू भी कुछ की सेकेंड केस ट्वेल्व इज टू वन बाई टू परसेंट का क्या हो रहा है प्रॉफिट दैट मीन्स वट कि यहां पे आपके पास में सीपी एट है और प्रॉफिट करके कितना आ गया नाइन प्रॉफिट में ऐड होगा ना तो यहां पे जो डिफरेंस है ये कितने का टू यूनिट्स का एंड दीज टू यूनिट्स आर इक्वल टू वट हंड्रेड रुपीज दैट मीन्स वन इक्वल टू हंड्रेड बाई टू फिफ्टी एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइज एंड कॉस्ट प्राइज इज एट दैट मींस एट विल बी इक्वल टू वट फिफ्टी इन टू एट फोर हंड्रेड सो आंसर विल बी फोर हंड्रेड क्लियर है ओके okay. यस yes. हाँ जी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसके अलावा जो हमारी सीरीज है इसके अंदर आपको मैं कंप्लीट फाइव ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हूँ दैट मीन्स की ये कंसिडर करके चलो आपकी फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन में आप लोगों को इस पर करवाऊंगी ठीक है ना यहाँ पे आपका क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश बाय इंग्लिश टीचर ओके तो ये हम सारा आपको कवर करवाने वाले हैं तो उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये और इसके लिए ना जो लिंक है जो हमारा कोर्स है कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उसको रजिस्टर कर लीजिए सो दैट की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको विद पी डी एफ यस आपको एक जगह पे मिल जाए सेम प्लेटफॉर्म पे मिल जाए क्लियर है तो यहाँ पे जो हमारा ये वार्म कोर्स है आपका प्रीवियस ईयर कोर्स है प्रीवियस ईयर का कोर्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं तो so, आप वहां से अपने आप को रजिस्टर करो सो so दैट कि आपके जितने भी जितने भी वीडियो सबकी पीडीएफ भी मिले आप लोगों को ठीक है ना एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आपको सारा कुछ मिल जाए डन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह इन सर्टेन प्रोफिट इज थ्री ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट

420 भाई 320 का जो प्रॉफिट है वो कितना है उसने कहा है 320 100 पे 320 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 420 आ गया अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर इसकी कॉस्ट को 25% इंक्रीज कर देते हैं इंक्रीज करके हमारे पास में जो न्यू कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ गई 125 ठीक है बट द सेलिंग प्राइस रिमेंस कांस्टेंट दैट मींस की सेलिंग प्राइस हमारा अभी भी कितना रहेगा 420 रहेगा तो उसका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट अब कितना बनेगा उसके पास में टू प्राइस फाइव बनेगा yes. तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द सेलिंग प्राइस दैट मीन्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एस पी नॉट सी पी अगर क्वेश्चन में गिवन है इन दैट केस यू विल टेक एसपी अदरवाइज यू विल टेक सीपी बाई डिफॉल्ट सीपी पे ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं ठीक है ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास में ओके दिस विल बी यहां पे उसने अप्रोक्सीमेट कहा कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो यहां पे इक्कीस आते एक सौ सैंतालीस दैट मीन दिस इज नियर बाई सेवेंटी परसेंट करेक्ट तो आई थिंक प्रॉफिट लॉस के अंदर अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम है तो बिल्कुल का सिंपल सा सॉल्यूशन है यू कैन टेक ओनली प्रॉफिट लॉस यू हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन अबाउट टू फिफ्टी एंड स्टडी नोट्स एज वेल एज वीडियोज ओके एंड द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन टेक द डिटेल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस ईयर का कोर्स है इसके अंदर सभी ने रजिस्टर करना है जिसने रजिस्टर नहीं किया पहले रजिस्टर करो सो दैट की जितनी भी आपकी वीडियोज हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे विद पी डी एफ आपको अवेलेबल हो जाए ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच